अस्सलामुअलैकुम। खाने की चाहत में खुश आमदी। आज मैं बना रही हूँ दही भिंडी। उसके लिए मैंने भिंडी ली है आधा किलो। अच्छा, पहले सबसे मैंने भिंडी को बताना है कि किस तरह काटा जाता है, तो मैं भिंडी काट के बता रही हूँ। ये देखें, ये है, बस ये यहाँ से चीरा लगा देना है इस तरह। अगर बड़ी भिंडी है तो हम दो पीस कर देंगे, अगर छोटी है तो उसको एक ही पीस करेंगे। इस तरह ये चीरा लगा दिया। ये इस तरह मैं सारी भिंडी काट के रख लेती हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगी किस तरह दही भिंडी बनती है। ये रख ली है, देख सकते हैं, ये इस तरह काट के रख ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको 90% फ्राई करना है मुझे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, ऑयल डालती हूँ। दो तीन चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। भिंडी डाल दी मैंने। ये देख सकते हैं, भिंडी डाल दी, और इसमें मैं नमक नहीं डालूंगी। इसको 90% मुझे फ्राई करना है, नमक नहीं डालूंगी। नमक डालने से ये होता है कि इसमें चिपचिपापन आ जाता है, लेस बन जाता है इसमें, तो इसमें नमक नहीं डालूंगी मैं। दही भिंडी के लिए जो मैंने मसाला लिया है वो मैं बताती हूँ। प्याज है, दो छोटी छोटी प्याज है, उसको मैंने काट के रखी है। हरी मिर्चें चार ली है मैंने, इसको भी पीसूंगी और प्याज को भी पीसूंगी मैं। और क्या कहते हैं, ये मसाला लिया है मैंने, पिसी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच, नमक है, हल्दी है आधा चम्मच, ज़ीरा है आधा चम्मच, और धनिया है एक चम्मच। तो ये चीज़ें मैंने रखी है। दही है, एक देख सकते हैं, एक प्याला है ये दही, और अदरक लहसुन वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अच्छा, भिंडी मेरी हो गई है, भिंडी हो गई है, इसे मैं निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं, निकाल लेती हूँ मैं। भिंडी निकाल लिया है मैंने। ऑयल डालती हूँ मैं। अब मैं इसमें मेथी दाना डाल रही हूँ। अच्छा, मेथी दाना डाल दिया है मैंने। अब मैं इसमें मसाला डालती हूँ। मसाला डालने के बाद फौरन मैंने पानी डाल दिया, वरना ये जल जाएंगे। अच्छा, मसाला डालने के बाद मैंने पानी डाला है थोड़ा सा। अब मैं डालूंगी इसमें अदरक लहसुन, एक चम्मच मुझे अदरक लहसुन डालना है। ये डाल दिया। अब इन मसालों को मुझे भूनना है। मसाला मेरा ये भून चुका है, जो मैंने डाला था ये भून चुका है। देख सकते हैं, ऑयल जो है सेपरेट हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें प्याज, और जो हरी मिर्चें मैंने पीस के रखा था वो डाला। तीन चार मैंने हरी मिर्च पीसी थी वो डाल दी है। अब इसे भी मैं भूनूंगी। मसाला देख सकते हैं मेरा भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब मैं इस वक्त डालूंगी दही। दही को हल्का भूनना है मेरे को। अच्छा, दही भी भून चुका है, ये देख सकते हैं।
अब मैं डालूंगी इसमें भिंडी। भिंडी डाल के मैं हल्की आंच पे रख के 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी मैं इसे। 5 मिनट के लिए कवर कर दिया, हल्की आंच कर दूंगी मैं। दम पे रख दिया है मैंने। देख सकते हैं भिंडी मेरी पक चुकी है, बहुत ही इसका लुक देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हरा धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरी मिर्चें डाल दी। चलें डिश आउट करते हैं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।